नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं न्यू KTM ड्यूक 125 के बारे में। तो एक्चुअली ड्यूक जो सीरीज है, सभी ड्यूक सीरीज के ऊपर आपको नया कलर अपग्रेड देखने को मिल रहा है। तो फाइनली ड्यूक 125 के ऊपर भी नया कलर अपडेट आपको अभी देखने को मिल रहा है। तो आज इसी कलर का मैं एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। वेरी स्पेशल थैंक्स टू हावड़ा KTM। आप अगर वेस्ट बंगाल में रहते हो तो डेफिनेटली आप हावड़ा KTM में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का पूरा डिटेल्स विथ एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सामने है आपका पूरा बेलेडियस रोड, तो यहाँ से एकदम सामने है। तो पूरा डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जरूर चाहे तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का वॉक अराउंड जो है वो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ड्यूक 125 है, नया जो ड्यूक 125 है इसका कलर स्कीम से। तो अभी रिसेंटली आपको दो कलर स्कीम देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर कलर स्कीम आप देख पा रहे हो ये एकदम ब्रांड न्यू कलर स्कीम है, सेरामिक वाइट। और इसका जो लुक एंड फिनिश है काफ़ी तगड़ा है। और इसको छोड़ के और एक कलर स्कीम आता है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर। तो दो कलर स्कीम अभी आपको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर का भी वीडियो जो है मेरा चैनल पे ऑलरेडी है, आप लोग जरूर जाके वो चेकआउट कर सकते हो। वेरिएंट आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है ड्यूक 125 में। और इसका अगर ऑन रोड कीमत की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2,07,000 के आसपास कोलकाता या फिर हावड़ा कह लीजिए आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और भी आगे जान लेते हैं इसमें और क्या क्या आपको अपडेट देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते बाइक का चाबी से। तो चाबी आपको यहाँ पे वेब की मिलता है KTM के ब्रांडिंग के साथ। इग्निशन को करते ऑन, तो इग्निशन आप यहाँ पे जैसे ऑन करते हो सामने इसका जो LED DRL है वो यहाँ पे ऑन हो जाता है। और मेन जो हेडलाइट है आपको यहाँ पे ऑल हैलोजन हेडलाइट सेटअप दी गई है लेकिन LED ब्लिंकर्स के साथ। और ये जो है बड़ा ड्यूक 200 या फिर 390 कह लीजिए उससे इंस्पायर्ड है। बाकी आपको यहाँ पे चेंज जो देखने को मिलेगा वो है कलर स्कीम, और जो स्टिकरिंग का जो कलर स्कीम है उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो है सामने ये जो पैनल या फिर आप इसको जो वाइजर कह लीजिए, ये जो पैनल आप देख पा रहे हो ये आपको पूरा ऑल ग्लॉस वाइट फिनिश आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है ये साइड का जो टैंक का जो काउल है ये भी कलर में पूरा चेंज है, पूरा आपको वाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये जो ड्यूक जो लिखा है इसका भी जो है स्टिकरिंग का कलर स्कीम टोटली चेंज है। यहाँ पे आपको काइंड ऑफ नेवी ब्लू फिनिश देखने को मिलेगा, इधर आपको स्काई ब्लू जैसा देखने को मिलेगा। और बाकी ये जो ड्यूक पोर्शन है इसमें आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। बाकी ये कलर स्कीम आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना, मेरे को तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सामने में आपको 43mm ऑफ साइड डाउनफॉग मिलता है, वो भी WP की तरफ से। रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड पे दिख जाएगा। नंबर प्लेट आपका बाइक का फ्रंट में यहाँ पे नंबर प्लेट फिट होगा। और इसका अगर हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट मतलब इसका हेडलाइट थ्रो एक बार आपको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। तो हेडलाइट जो है बहुत ही ब्राइट है और एक्चुअली हैलोजन हेडलाइट जो है फॉग के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा काम का आता है। ये जो फ्रंट मडगार्ड है ये आपको यहाँ पे फाइबर का मिलता है, डुअल टोन कलर में यहाँ पे ग्लॉस फिनिश दी गई है। इधर आपको मैट ब्लैक फिनिश दी गई है। और फ्रंट डिस्क की अगर बात करें तो 300 सेक्शन का डिस्क मिलता है विथ 4-piston कैलिपर के साथ, वाइब्रे का कैलिपर यहाँ पे यूज़ की गई है। और सिंगल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको मिलता है। सामने में ABS मिलता है, पीछे में आपको RLP सेंसर मिलता है। और टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो ये एकदम सेम है, ड्यूक 200-250 जो सेम टायर मिलता है वही सेम टायर यहाँ पे दी गई है। MRF रेपजी सीरीज का टायर है, रेडियल टायर मिलता है। और सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 110/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, वो भी रेडियल टायर। टैंक 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। माइलेज की बात करें तो आप पकड़ के चलिए 40 KMPL का माइलेज आप इससे निकाल सकते हैं। आप अगर सही से चलाते हो तो इससे भी माइलेज जो है आप डेफिनेटली निकाल पाओगे। मेरे फ्रेंड के पास जो 125 था ड्यूक 125 उससे मैं लगभग 50 KMPL का माइलेज जो है निकाला था लॉन्ग राइड पे। बाकी वो तो है आपका चलाने के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम यहाँ पे यूज़ की गई है, तो फ्रेम भी आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलेगा। ये जो है वाइट हो चुका है ये सब फ्रेम जो आप देख पा रहे हो, और इधर जो है आपको पूरा ब्लैक फिनिश में ये फ्रेम देखने को मिलता है। सीट कंफर्टेबल सीट है और काफ़ी स्पेसियस भी है, मतलब सीट में आपको यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई। मतलब राइडर का सीट मेरे को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, पिलियन का सीट जो है मतलब कंफर्ट वाइज जो है ठीक ठाक है, बाकी स्पेसियस है। अब इसको लेके जो है थोड़ा बहुत वीकेंड टू डेफिनेटली कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे इंजन एडवांस है और इंजन में पावर भी है और इंजन बड़ा भी है। तो इंजन की तरफ आते हैं तो इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 124.7 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड DOSC 4-valve इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और लिक्विड कूल तो रेडिएटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 125 cc में आपको लिक्विड कूल इंजन आपको सिर्फ ड्यूक 125 यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका जो प्राइस भी जो है थोड़ा प्रीमियम जैसा है। और बाइक
ऑब्वियसली प्रीमियम बाइक है, नो डाउट। 14.5 पीएस का आपको पावर मिलता है और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। डीओएससी लेआउट है, रेसिंग केटीएम का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, कोई भी स्लिप एंड असिस्ट क्लच इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। नीचे आपको यहाँ पे फाइबर का इंजन बैच प्लेट भी दी गई है और कैटेलिटिक कन्वर्टर वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस बाइक का अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 155 mm ड्यूक 125 का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 822 mm, सीट हाइट थोड़ा ज़्यादा है, 822 mm इस बाइक का सीट हाइट है। तब भी आपका हाइट अगर 5'5" है तो आराम से आप इस बाइक को चला पाएंगे। और वेट की अगर बात करें तो 159 kg इस बाइक का वेट है, तो वेट उतना ज़्यादा कम नहीं है। तो आप इसको जब हाईवे में राइड करेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। 159 kg जो वेट है वो काफ़ी सही है इस बाइक के लिए। और नीचे जो है आपको यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, इसका एग्जॉस्ट नोट मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। पीछे में आपको स्विंगम भी दिख रहा होगा, कास्ट एल्यूमिनियम स्विंगम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और दिस इज़ अ मोनोशॉक एब्जॉर्बर व्हिच इज 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे दी गई है। और पीछे में आपको टायर हगर भी मिलता है। रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मैसिव 150x60/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, वो भी रेडियल टायर, एमआरएफ ब्रेवसी सीरीज़ का टायर है। और पीछे में आपको 230 सेक्शन का डिस्क मिलता है विथ आरएलपी सेंसर, सिंगल चैनल एबीएस के साथ आता है। पीछे में आपको सिर्फ आरएलपी सेंसर मिलता है विच इज़ लिफ्ट व्हील प्रोटेक्शन सेंसर। और यहाँ पे आपको बाइब्रे का कैलिपर मिलता है, ट्विन पिस्टन कैलिपर, सामने में आपको 4 पिस्टन कैलिपर मिलता है, पीछे में आपको ट्विन पिस्टन कैलिपर मिलता है। और इधर शॉक एब्जॉर्बर को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर भी एक छोटा मडगार्ड दी गई है। पीछे में स्प्लिट ग्रैबडेल मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। और ये जो पीछे का जो काउल आप देख पा रहे हो, नया कलर देखने को मिलता है जो ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो स्टिकरिंग का कलर है KTM लिखा है व्हाइट एंड ब्लैक में, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक बार इग्निशन को करते ऑन, और रियर टेल लाइट बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा ड्यूक से इंस्पायर्ड है, ड्यूक 390 से। यहाँ पे आपको ऑल LED टेल लाइट मिलता है विथ LED ब्लिंकर्स के साथ। और यहाँ इनफैक्ट ये जो नंबर प्लेट का लाइट है वो भी आपको LED मिलता है। तो पैसा जो आपसे लिया जा रहा है वो एकदम टोटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाला है। टायर हगर ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। और पीछे से इस बाइक का लुक्स, मतलब इसको देख के आप कहीं से बोल नहीं सकते कि ये 125 cc का बाइक है। और इधर आपको रिफ्लेक्टर दिख रहा होगा, बाकी ओपन चेन है तो 500-600 किलोमीटर के बाद आपको चेन वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा। इससे आपका बाइक का जो चेन पॉकेट है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। साड़ी गार्ड अलग से आपको लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ साड़ी गार्ड मिलता है। और इधर एक छोटा सा एक ऊपर में चेन कवर भी दी गई है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, तो उससे भी आपको यहाँ पे टो शिफ्टर मिलेगा, कोई भी हिल शिफ्टर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे साइज 10 विथ साइज 10 इंजिन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाता है। मिडिल स्टैंड इस काइंड ऑफ बाइक में आपको नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड भी देखने को मिल जाएगा। रेडिएटर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और टैंक जो है आपको पूरा प्लेन ग्लॉस फिनिश में यहाँ पे टैंक दी गई 13.4 लीटर का। और मीटर कंसोल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको LCD ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी गई है। और इसमें काफ़ी लोडेड फीचर्स मिलता है, रोड मोड पे अभी है। और इसमें आपको अलग से कोई भी मोड नहीं मिलता है, लाइक सुपर मोटो ABS जो है इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। सुपर मोटो ABS जो है आपको ड्यूक 200 से देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाता है, ऊपर में आपको टैकोमीटर शो करता है। साइज 10 गिरा है तो यहाँ पे दिखा रहा है, लो फ्यूल लेवल दिखा रहा है, फ्यूल कम है तो वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये इन्फो में आपको दिखाएगा। और यहाँ पे आपका स्पीड शो करता है, देखिए यहाँ पे स्पीड शो करता है, नीचे आपका इंजन टेम्परेचर, इधर आपका टाइम शो करेगा, इधर आपका फ्यूल गेज। और भी लोडेड फीचर्स है, लाइक यहाँ पे मोड और सेट बटन दी गए। मोड से बेसिकली आप यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर और नेक्स्ट सर्विस कब है, ट्रिप टाइम, ट्रिप 1, टाइम ट्रिप 2, इसके साथ साथ अभी रोड मोड पे है तो वो शो कर रहा है। बाकी आपको एवरेज फ्यूल कंजंक्शन, देखिए एवरेज फ्यूल कंजंक्शन वो भी शो करता है, फ्यूल रेंज डिस्टेंस टू MT वो भी शो करता है। और सर्विस रिमाइंडर, इसको छोड़ के आपको और भी फीचर्स मिलता है, लाइक एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी, मतलब इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी कितना मिल रहा है वो भी आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाएगा। और ट्रिप अभी तो ये ओडो मीटर शो कर रहा है, बाकी तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 वो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा। मोड और सेट बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, लाइक जैसे आपको ड्यूक 390 में मिलता है वैसा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। और टेल लाइट्स की अगर बात करें तो ऊपर में आपको इंडिकेटर का सिग्नल मिलता है, उसके बगल में है आपका इंजन माल फंक्शन, हाई शिफ्ट, RPM लिमिटर, न्यूट्रल का सिग्नल, और इधर है आपका हाई बीम का सिग्नल, ABS का सिग्नल यहाँ पे दिख रहा होगा। कोई भी एरर रहेगा तो यहाँ पे एरर सिग्नल आपको देखने को मिल जाएगा। हैंडल बार की अगर बात करें तो ये भी ठीक ठाक है, मतलब वाइड है, बाइक वाइज जो है हैंडल बार काफ़ी वाइड है।
तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ मैट मेटालिक सिल्वर फिनिश में ये हैंडल बार दी गई है, और बैकलेट स्विच पैनल आपको यहाँ पे ऑब्वियसली मिलता है, जो नाइट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे आपको इंजन की स्विच मिलता है, सेल बटन, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न भी जो है डेफिनेटली लाउड है, दिस इज़ द डिपर बटन। क्लच की अगर बात करें तो क्लच भी काफ़ी लाइट है, बट मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें स्लिपेनेसिस क्लच है, लेकिन क्लच बहुत लाइट है, स्लिपेनेसिस क्लच इसमें आपको नहीं मिलेगा। और मिरर से भी आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाता है, ये अभी पन्नी चढ़ा हुआ है तो मिरर से भी आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाते हैं। का एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना। और ये जो नया कलर स्कीम KTM ने लॉन्च करा है, ये कलर स्कीम आपको कैसा लगा वो भी आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को तो ये कलर स्कीम जो है बहुत ही खूबसूरत लगा है। बाकी तो आप लोग को अगर ये कलर स्कीम देखना है आप लोग जरूर हावड़ा KTM में आके ये कलर स्कीम देख सकते हो। आपको अगर टेस्ट राइड वगैरह चाहिए तो आप शोरूम पे आके बात कर सकते हो। और भी गाड़ी है यहाँ पे, आपको नया ड्यूक 250 मिल जाएगा, इधर आपको नया RC 390 मिल जाएगा वो भी MotoGP एडिशन वाला, इधर RC 200 MotoGP एडिशन वाला वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस सभी गाड़ी का जो है वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आने वाला है, तो आप लोग स्टे ट्यून और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, टाटा।